बीच के कालखंड में हमारी दुर्बलताओं के कारण उस विचार का प्रवाह विश्व के मानस पटल पर कम होता है। लेकिन जो जो जागरूक संगठन श्रेणी के कार्यकर्ता, भारतीय विचार के, भारतीय संस्कृति के कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य को प्रकट करने लगे और समाज में सोए हुए उस हनुमान जी के भूले हुए बल को जगाने लगे, तो आज विश्व भी भारत के विचार पर नतमस्तक होने लगा। जिस दुनिया के चौधरी देश में भारत के नेतृत्व को एक कट्टरपंथी नेतृत्व कहकर बातचीत भी नहीं करते थे, वहां जाने की उनको अनुमति नहीं मिलती थी, आज हमारे सामर्थ्य का परिणाम है कि आज वहां से चलकर आमंत्रण आने लगता है। विश्व के देश भारत के सामर्थ्य को पहचानने लगे। मनुष्यों ने कहा है 2020 यानी भारत की सदी। कुछ मित्र कहते थे ये कपोल कल्पना तो नहीं है, लेकिन अब जो विश्व में घटनाएं घटित हो रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको अनुभूति हो रही होगी, अब भारतीय विचार की विश्व में स्वीकार्यता बढ़ गई है। जिस नागपुर के विचार को ये कहा जाता था कि ये नागपुर के शंकर आग नहीं बिकेंगे, आज विश्व बिरादरी उस भारतीय विचार को लेकर विश्व की शांति का मार्ग खोज रही है। चौर हिंसा का वातावरण है, भोग का वातावरण है, मानवता त्रस्त है, त्राही त्राही कर रही है, लगता है किसकी दिशा की ओर बढ़े, क्योंकि तो अन्य विचार कहते हैं दुनिया में हम ही श्रेष्ठ है, हमारे विचार को मानोगे वही श्रेष्ठ है, नहीं मानोगे तो एक हाथ में तलवार है एक हाथ में विचार है। ये हिंसा का मार्ग आज दुनिया को बर्बादी की ओर ले जाता है। अब दुनिया के देशों को और भ्रातृत्व भाव को भूल कर उन पर चेक लगाने पड़ने लगे। 150 वर्ष पहले विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे तब भारतीय विचार को उन्होंने दो शब्दों में प्रकट किया। उस हिंदू सभा का ध्यान हम सबको पढ़ते हैं सुनते हैं, जब भारतीय संत का भारतीय विचार का कोई महत्व नहीं था, लेकिन उस भारतीय संत ने जब एक शब्द कहा माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो सारा सदन खड़ा होकर ताली बजाया। ये दुनिया के किस देश का महान बाबा है जिसने हम सबको एक सूत्र में बांध दिया, रिश्ते नातों में बांध दिया। अब तक तो हम दुनिया को भोग का साधन मानते थे, इसने तो हमको रिश्तों की डोर में बांध दिया। कहते कि फिर उसके बाद उनका विचार दुनिया में इस प्रकार का प्रवाह और हिंदुत्व के विषय में सोचने का दृष्टिकोण दुनिया का, हमने कभी नहीं कहा दुनिया में हम ही श्रेष्ठ है, हमने कभी नहीं कहा दुनिया में हमारा कल्याण हो, हमने कहा सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सारे विश्व का कल्याण, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ऐसा हमारा विचार दुनिया के पास है। लोगों को लगा कि इस विचार के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है दुनिया को चलाने की। हमने कहा हमारा विचार शस्त्र के नहीं शास्त्र के दम पर, हमारे यहाँ छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े जीव की कल्पना की है, ये भारतीय विचार की विशेषता। लेकिन बीते कालखंड में कुछ गुलामी के क्षण ऐसे रहे, कुछ हमारी दुर्बलताएं रही, हम भोले भाले लोगों को लोभ में लालच में भय में हमारी संस्कृति से दूर कर दिया, हम पर आतताइयों का शासन रहा। और दुनिया में ये रोमन कैलेंडर, क्योंकि कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये रोमन कैलेंडर हम पर थोप दिया। और प्रारंभ में इसके दिनों के भी कोई पसंद नहीं था, वैसा इनका सन 10 में देखा हुआ था, बाद में जूलियस सीजर आए, जुलाई महीना 31 का किया, फिर अगस्त आए तो वो अगस्त हो गए, 2 महीने बाद में बढ़ गए, अब दिन कहां से लाए जाए। तो ये 2 दिन जो 31 के 20 के 31, तो मेरा भी 31 होना चाहिए, तो ये 2 दिन आगे जाकर फरवरी में से कम करके बढ़ गए 28 करके, और दुनिया के अंदर ये कैलेंडर चले। भारत में प्रारंभ से
नक्षत्रों के आधार पर एक वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने आज से 20 साल बाद हम घोषणा कर सकते हैं या 20 साल पहले की बात हम कह सकते हैं कि किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो ये हमारा विचार बिल्कुल ग्रहों की सटीक वर्णन ये दुनिया को अब समझ में आने लगा है। इसलिए भारतीय पंचांग कई प्रकार के संवत है, लेकिन सर्वमान्य रूप से ये विक्रम संवत भारत में और भारत के बाहर जहां भी हमारे देश के लोग रहते हैं वो इसको बहुत उत्साह से मानते हैं। इसलिए बंधुओं, अपना विचार श्रेष्ठ है, इसको ध्यान रखें। आज ऐसा लगता है कई लोगों से बातचीत करने पर ध्यान में आया कि यह चैत्र शुक्ला एकम का पर्व कुछ एक विचारधारा के लोग हैं, इस प्रकार के लोग मनाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये हम सबका विचार और हम सब इसी से जीवन का पालन कर रहे हैं। आपके शादी विवाह संबंध, आपके मांगलिक कार्य, आपके सारे इसी कैलेंडर इसी के हिसाब से होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अब यह है पर्व सार्वजनिक रूप से मनाए जाने चाहिए। ये उत्सव, ये संचार समाज में से प्रकट होना चाहिए और हम सब मिलकर जब इसको प्रकट करेंगे तो जिसको कहते हैं कि अब दुनिया में भारत का विचार बढ़ रहा है, मैं निश्चित कह सकता हूं कि दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, विश्व गुरु राष्ट्र और दुनिया का मार्गदर्शक राष्ट्र बनेगा। ये मेरा विश्वास, आपका भी विश्वास है। आवश्यकता केवल निराशा के वातावरण से निकलकर एक सकारात्मक सोच की ओर बढ़ने की आवश्यकता, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करने की आवश्यकता। हम घरों में पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा जब मॉम और डैड कहता हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद की अनुभूति होती है। हम कहते हैं आहा मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ा। भाषाएं कोई सी भी हो सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का मान सर्वोपरि होना चाहिए, अपनी संस्कृति का मान सर्वोपरि होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की कल्पना निहित है। आप सब लोगों ने आज यहां से भजन संध्या में पधार कर और जब एक परिवार मिलन का कार्यक्रम कितना आनंददायक परिवार, एकदम हम सब लोग मिलकर आज इस विक्रम संवत को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हम सब परिवार के लोग मिल रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का ज्ञान कर रहे हैं। ये सब भाव केवल अपने विचारों की शुद्धता करने की आवश्यकता। एक कथा के साथ अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि उधर से संकेत आ रहा है, मन चंगा तो कटौती में तुम, जैसा आपका मन होगा वही प्रत्यक्ष आपको ईश्वर साक्षात हो जाएगा। कहते हैं रैदास बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे और चरणकारी का काम करते थे, लेकिन भजन गाते थे, भगवान के पद बनाते थे। मीरा भी उनके पदों को बहुत अच्छी तरीके से गाती थी, वो मेवाड़ी मीना मीरा, वो रासी मीरा, वो भी उनके पदों को बहुत अच्छा गाती थी। लोगों ने कहा चलो गंगा स्नान के लिए चलते, भक्तों की टोली गंगा स्नान की ओर जाने लगी तो एक ने कहा अपने और रैदास भगत है इसको भी गंगा स्नान के लिए ले चलते। तब भगत जी चल रहे हो कि गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं एक टोला? उन्होंने कहा भाई मेरे पास इतना सारा काम पड़ा है, इतने सारे लोगों की जूतियां पड़ी है, इनको तैयार करना है, आप लोग जाओ। तो भगत जी हमारा सामान कहाँ रहेगा ये सोना चांदी? बोले मेरा छपरा नहीं, इसमें कहीं भी टांग जाओ कहीं भी रख जाओ, आप आओ तब इसको ले जाना आपके साथ। कितना विश्वास, लेकिन भैया जा रहे हो तो मेरी ये चमन नहीं ले जाए और गंगा मैया को समर्पित कर दिया। हम सब लोगों को जो हमारे कर्म कांड करने थे, स्नान करके सब कुछ करना था वो किया, अंत में भगत ने कहा रहे हो रैदास जी ने प्रभु एक चमन नहीं दी थी और गंगा मैया को सुपुर्द कर दो। कहते कि जैसे ही वो कहा कि मैया ये गंगा मैया ये रैदास भगत की चमंडी में तेरे को भेंट कर, एक हाथ गंगा का निकलता है वो चमंडी उसके हाथ से लेते, दूसरे हाथ से कंगन निकलता है और वो कंगन उठे देता। कथा बहुत लंबी है लेकिन मन का लालच है, हमने उस कंगन को दबा दिया, हमने कंगन रैदास को नहीं दिया, लेकिन वो कंगन राजा के पास पहुंचा, राजा की पत्नी के पास पहुंचा। उसने कहा मुझे दूसरा कंगन चाहिए। राजा ने बोला लाओ भाई दूसरा कंगन लाओ। सुनार से कहा माया से ऐसी रच नहीं जाएगी, ये बनाया नहीं जा सकता। अच्छा मैं तुमको प्राण दंड दूंगा, मुझे
ऐसा ही करना चाहिए। आए वो लोग भगत जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, भगत जी नाम बचाओ। क्या हुआ? भगत जी हमने आपसे झूठ बोला, सारी कथा सुनाई। भगत जी बोला, जय गंगा मैया, जिसमें वो जूती डुबोते थे उसमें गंगा मैया का स्मरण करके हाथ दिया, दूसरा कंगन निकाल कर उनको दे दिया। तो कहा, मन चंगा तो कपोती को चंगा। अगर हमारा मन, हमारा तन, अगर हमारा मन निर्मल है, हम जिस स्थान पे चाहे, जिस जगह रहे, जिस मंदिर में जाएं, जिस स्थान पर रहे, वहां आनंद की अनुभूति कर सकते। और यही भारत का श्रेष्ठ विचार है, सबको जोड़ के। ये सनातनी संस्कृति है। आप हिंदू के नाते किसको हिंदू कहेंगे? मंदिर जाने वाले को हिंदू कहेंगे तो कबीर पंथ को क्या कहेंगे? मूर्ति पूजा करने वाले को हिंदू कहेंगे तो आर्य समाज को क्या कहेंगे? ये सनातनी परंपरा है, इसमें सब लोग, सबका विचार। जो धारण किया जा सकता है वो धर्म है। जो अच्छी चीजें, चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना, मिथ्या नहीं बोलना, जीव हिंसा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में देखना, ये श्रेष्ठ विचार जब हमारे पड़े, उसको हमने जब स्वीकार किया, तब ये हमारा सनातनी धर्म प्रकट हुआ, उन सबके हम अंग थे। इसलिए हम सब मिलकर एक हिंदू समाज के नाते अपना व्यवहार समाज जीवन में करेंगे और सब एकता के सूत्र में बंधेंगे। और बंधु, एक बात और कहूंगा, आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे कुटुंब टूट रहे हैं, केवल पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार तक सीमित हो गया, हमारे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सप्ताह में नहीं तो महीने में एक बार बैठिए, अपने भाई रिश्तेदार को बुलाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर सामूहिक पूजा कीजिए। कोई न कोई कार्यक्रम की रचना ऐसी कीजिए जो हमारे जो संयुक्त परिवारों को जुड़े, बच्चों को वो पुराने रिश्ते, दादा नानी चाचा चाची मामा मामी बुआ, ये स्मरण हो, ये पीढ़ी भूलती जा रही है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कार हमारे मनों में जागृत हो, ये भारतीय विचार विक्रम संवत के दिन हम सब ग्रहण करके जाए, और समाज जीवन में इसका थोड़ा सा भी प्रतिबिंब किया तो देखेंगे कि भारतीय शक्ति के लिए जो कहा भारतीय जो कहा कि ये भी सदी भारत की सदी होगी, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ कि भारत की विजय विश्व में निश्चित होगी। जय हिंद, नमस्कार।